डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 12th क्लास में जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, उस फिजिक्स की क्लास में पिछले दिन हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कुछ अनुप्रयोग है, तो आपको याद दिला दें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला मरीचिका में करते हैं, मरीचिका, दूसरा प्रिज्म, और तीसरा हीरा, और चौथा ऑप्टिकल फाइबर। यही चार वो जगह है जहाँ पे हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन का इस्तेमाल करते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का इस्तेमाल मरीचिका में कैसे किया जाता है वो हम लोगों ने पढ़े, यानी कि मरीचिका जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से ही हम लोगों को चमकीला दिखाई पड़ता है। हमेशा ये गर्म स्थान पे होता है, रेगिस्तान में होता है। आप अगर रेगिस्तान में यात्रा करेंगे गर्मी के दिनों में, तो आपको महसूस होगा कि कुछ दूर पर हम लोगों का एक बहुत बड़ा पानी का तालाब है। लेकिन उस तालाब पे आप पहुँचेंगे, उस जगह पे पहुँचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। आपको और वहाँ से आगे थोड़ी दूर पे दिखाई देने लगेगा, फिर आप वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ नहीं रहेगा, फिर आगे आप ऐसे बढ़ते जाएंगे। यानी कि जिस तरीके से रामायण में एक हिरण को स्वर्ण को जैसे उसमें कस्तूरी बस्ती थी, और उसी के वजह से कहानी तो सुने होंगे ना रामायण में, सीता हरण क्या क्या था। तो वो जो हिरण है उसमें कस्तूरी बस्ती थी, और स्वर्ण मृग के वजह से कस्तूरी के वजह से ढूंढते चले आए थे उसके पीछे पीछे। तो उसी के वजह से हम लोगों को यहाँ मरीचिका भी सेम है। मरीचिका भी एक तरीके का भ्रम है, रियलिटी नहीं है। आपको पता होना चाहिए प्रकाशीय भ्रम के वजह से हम लोगों को रेगिस्तान में ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का इस्तेमाल करके और हमें भ्रम होती है, भ्रम पैदा होती है मरीचिका में। ये हम लोगों ने सीखा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देते हैं प्रिज्म के बारे में। जी हाँ, प्रिज्म आप 10th क्लास में भी नाम सुने होंगे कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म हमेशा कांच का बना हुआ एक ट्रायंगुलर शेप होता है, त्रिभुज के आकार का होता है, जिसको हम लोग एक किरण को अगर प्रवेश कराते हैं तो उससे 7 रंगे निकलती है प्रिज्म से। ठीक है, निकोल प्रिज्म उसको कहा जाता है। ठीक है, तो प्रिज्म के बारे में आप लोगों ने पहले ही नाम सुना होगा। वर्ण विक्षेपण, 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, बैजानी, हपिनाला, बैगनी, जामुनी, नारंगी, लाल, पीला और नारंगी हो गया, लाल हो गया, ये सब सारा जो 7 रंग होते हैं, तो ये हम लोगों को एक पट्टी पे प्राप्त होती है, जिसको वर्णपट या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, तो वहीं पे आपको प्रिज्म का इस्तेमाल करने के लिए बताया गया होगा कि अगर कोई प्रिज्म लेंगे जिसका नाम होता है निकोल प्रिज्म, अगर उससे एक किरण को, एक लाइट को, सूर्य के प्रकाश को अगर गुजारा जाए तो हम लोगों को 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था पहले। तो अब आइए हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज देखते हैं कि आखिर प्रिज्म क्या है और ये प्रिज्म जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानने से पहले फर्स्ट एरो देंगे प्रिज्म के बारे में। लिखा जाए, चूंकि कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, इसलिए कांच के लिए क्रांतिक कोण लगभग इसलिए कांच के लिए क्रांतिक कोण लगभग 41 डिग्री होता है, 41 डिग्री होता है, फुल स्टॉप। जी हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा कि प्रिज्म में कांच का यूज किया जाया रहता है, शीशा का यूज इस्तेमाल किया रहता है, कांच का इस्तेमाल किया रहता है प्रिज्म बनाने के लिए, और उस कांच का अपवर्तनांक आपको याद रहना चाहिए 1.5 होता है। और इस कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका क्रांतिक कोण जो होता है वो
41 डिग्री होता है, 41 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए फिर से नेक्स्ट एरो देंगे। लिखा जाए, कांच का ही बना प्रिज्म का उपयोग करके, कांच का ही बना प्रिज्म का उपयोग करके प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को 90 डिग्री से मोड़ा जा सकता है, 90 डिग्री से मोड़ा जा सकता है। याद रखिएगा कि प्रिज्म जो है किससे बना हुआ होता है, बिल्कुल कांच से बना रहता है, शीशा का बना रहता है, और इसका उपयोग करके हम लोग किरणों को 90 डिग्री से मोड़ते हैं। याद रखिएगा, अगर मान लिया कि किरणों को हम लोग ऐसे भेजें तो इसको बिल्कुल 90 डिग्री पे हम मोड़ सकते हैं। वो मोड़ते किससे, किसकी सहायता से हम मोड़ सकते हैं, तो याद रखिएगा प्रिज्म की सहायता से। यानी कि प्रिज्म जो है काम क्या करता है, किसी भी किरणों को 90 डिग्री से मोड़ने का काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब एक उसके नीचे नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे प्रिज्म की सतह, प्रिज्म की सतह ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, प्रिज्म की सतह ए बी पर प्रकाश की एक किरण, पर प्रकाश की एक किरण अभिलंब रूप से पड़ती है, अभिलंब रूप से पड़ती है, पूर्ण विराम, यह किरण प्रिज्म के भीतर, यह किरण प्रिज्म के भीतर बिना मुड़े हुए जाती है, और प्रिज्म के तिरछे सतह, और प्रिज्म के तिरछे सतह एसी पर, तिरछे सतह एसी, वहां बता रहे हैं एसी पर आपतित होती है, आपतित होती है, यह आपतित किरण, यह आपतित किरण 90 डिग्री से, 90 डिग्री से सतह बीसी से, सतह बीसी से बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। चलिए, ये चीज आपको समझ नहीं आएगा, हम आपको समझाते हैं। मान लिया कि एक प्रिज्म है, और प्रिज्म हमेशा ट्रायंगल फॉर्म का होता है। ये हम लोगों का प्रिज्म है, ठीक है, ये हम लोगों का प्रिज्म है, इसका नाम है प्रिज्म। ठीक है, ये हो गया हम लोगों को ए, और ये हम लोगों को हो गया बी, और ये हो गया हम लोगों को सी। ठीक है, अब अगर मान लिया कि कोई ए बी, प्रिज्म का एक सतह ए बी है, एक सतह बी सी है, और एक सतह ए सी है, तो हम लोग यहाँ पे एक किरणे को डालते हैं, ए बी सतह से एक किरणे आई, ठीक है, और यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाकर, सॉरी यहाँ पे सीधा निकलेगा, ये वाला गलत है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाई, ठीक है, और सतह बी सी से क्या हो गई, बाहर निकल गई। यानी कि प्रिज्म का सतह, ये हम लोगों का प्रिज्म है। याद रखिएगा कि प्रिज्म हम लोगों को किसके लिए काम करता है, तो प्रिज्म का काम है कि किसी भी आपतित किरणों को 90 डिग्री के आगे मोड़ देना, 90 डिग्री से किसी भी किरणों को बाहर कर देना। जैसे इस प्रिज्म में ए बी एक सतह है, इससे प्रकाश की किरणें आई, और प्रिज्म का जो तिरछा सतह था जिसका नाम ए सी था, इस पर टकराई वो आपतित किरणें जो ए बी से आ रही थे, यहाँ पर टकराने के बाद बिल्कुल 90 डिग्री से आगे मुड़ गई, और मतलब 90 डिग्री से बाहर निकल गई, और बाहर निकलने वाला सतह कौन सा है, बी सी। तो इसी को हम लोग कहते हैं दोस्त प्रिज्म। ठीक है, तो
तो उसके नीचे ये फिगर बना दीजिएगा, और फिर फिगर बनाने के बाद फिर लिखिएगा नेक्स्ट एरो। नेक्स्ट एरो में लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के लिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए दर्पण के स्थान पर, दर्पण के स्थान पर प्रिज्म द्वारा परावर्तन का, प्रिज्म द्वारा परावर्तन का कुछ विशेष लाभ होता है, कुछ विशेष लाभ होता है। जी हाँ, आप प्रिज्म के बारे में जानिएगा कि प्रिज्म से हम लोगों को देखिए, जिस तरीके से आप शीशा का यूज करते हैं ना, शीशा का यूज करके अपने चेहरा देखने के लिए दर्पण का, तो दर्पण के स्थान पे आप प्रिज्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आपको पेंट करने का ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली जो हम लोग अपना चेहरा देखते हैं शीशा में, तो वो एक तरफ से रज्जित किया हुआ रहता है, रज्जित का मतलब पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को इसमें पेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं एक दर्पण के फॉर्म में, यानी कि एक दर्पण के रूप में भी प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात कि प्रिज्म का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो उसके नीचे लिखेंगे फिर से नेक्स्ट एरो, प्रिज्म का उपयोग प्रायः, प्रिज्म का उपयोग प्रायः प्रकाशिकी यंत्र कॉमा फोटो कैमरा आदि में किया जाता है, आदि में किया जाता है। जी बिल्कुल, आप याद रखिएगा कि प्रिज्म का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहला कि प्रकाशीय यंत्र में, यानी कि जो प्रकाशीय यंत्र होता है, डिवाइस होता है जो प्रकाश के लिए बनाया जाता है, वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। या फिर हम लोग फोटो कैमरा, जिससे हम लोग फोटो लेते हैं, उस कैमरे में भी हम लोग प्रिज्म का उपयोग किया हुआ रहता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम ओनली प्रिज्म के बारे में पढ़ें। तो प्रिज्म का मेन काम है किसी भी किरणों को 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ देना, ठीक है, जो कांच से बना हुआ रहता है। तो याद रखिएगा, ये भी किस पे आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित है, जिसका नाम है प्रिज्म। तो दोस्तों, हम लोगों को प्रिज्म का टॉपिक्स ख़त्म हुआ। अगले दिन हम लोग हीरा के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर हीरा इतना चमकीला, हीरा क्यों इतना ज़्यादा चमकता है, इसके बारे में हम लोग टॉपिक्स में अगले दिन बात करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।